हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे टॉप रूट वर्ड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड का एक रूट वर्ड होता है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज पांच इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स। ये पहला मेरा रूट वर्ड्स पे सेशन है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लीव कीजिए कि मैं और आगे सेशन बना सकूं। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है, सेशन अच्छा यूजफुल लगता है, तो प्लीज मुझे बताइए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ रूट वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी मीनिंग देखने वाले और उनके एग्जांपल्स और एग्जांपल्स के डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। अब रूट वर्ड्स पढ़ने का सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि फायदा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SBI की या फिर IBPS या फिर कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जरूर रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक तरीका आपका ये रहता है कि वोकैब में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद करो, पर वर्ड्स याद करने की भी एक लिमिट रहती है। वर्ड्स याद करने से पहले आपको याद करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग रूट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स अगर आप याद करते हैं, याद रखते हैं, तो इससे कोई नया वर्ड आता है सामने और उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी आपको ना पता हो, तो अगर वो उस रूट वर्ड का वर्ड है तो आप थोड़ा अज्यूम करके, अच्छे से एनालाइज करके सेंटेंस का पूरे का मीनिंग या फिर एग्जैक्ट वर्ड का भी मीनिंग के काफी क्लोज तक जा सकते हैं। तो टॉपिक हल्का टॉपिक नहीं है, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। बहुत कम स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, पर अगर आपको याद है ये, तो एक तरह से ये डेरिवेटिव टॉपिक बन जाता है कि इससे आप डिराइव करके जो एग्जैक्ट टॉपिक्स, एग्जैक्ट वोकैब जो एग्जाम्स में पूछी जाती है उसमें बहुत ही यूजफुल रहता है। तो और टाइम और ना वेस्ट करते हुए हमारे आज के पांच वर्ड्स पर हम आ जाते हैं। पहला वर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेबल में पहला वर्ड है anthro/o, मतलब एंथ्रोप या एंथ्रोपो। ठीक, ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मीनिंग है ह्यूमन या फिर मैनकाइंड भी। ठीक है, एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, एक तो एंथ्रोपोलॉजी और दूसरी फिलेंथ्रोपी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में आपको क्लियरली रूट वर्ड दिख रहा है एंथ्रोप, ठीक है, या फिर एंथ्रोपो। क्या मतलब होता है एंथ्रोप का, ह्यूमन या मैनकाइंड, मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है, डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो यहां पे मैनकाइंड का आपको मीनिंग पता है, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड के आप काफी पास पहुंच गए हैं। सेंटेंस के अंदर आप ये चीज जोड़ के उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है, चाहे क्लोज टेस्ट में है, ठीक, या idioms या phrases में है, तो काफी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी में कहां आ रहा है एंथ्रो, फिल के जस्ट बाद एंथ्रो आ रहा है, तो यहां पर भी ह्यूमन या मैनकाइंड आएगा। तो इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं, लव टू मैनकाइंड या फिर गुड डीड्स डन टू मैनकाइंड, ठीक है, या गुड डीड्स डन टू डन बाय अ ह्यूमन। ठीक है, लव टू मैनकाइंड, तो यहां पर भी मैनकाइंड या फिर ह्यूमन आ चुका है, क्योंकि रूट वर्ड क्या आया था, एंथ्रो। तो यहां पे भी अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, कोई टोन है सेंटेंस का, आपको जानना है एग्जैक्ट मीनिंग ना पता चलेगी, पर फिर भी काफी क्लोज आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट रूट वर्ड, क्या था, एंथ्रोप या फिर एंथ्रोपो। ठीक है, मीनिंग था ह्यूमन या फिर मैनकाइंड। अगले रूट वर्ड पे आ जाते हैं एंटी। बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या फिर अपोजिट ऑफ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में एंटी वर्ड आ गया, अगेंस्ट या अपोजिट, मीनिंग देख लेते हैं। अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है या फिर जिनके अगेंस्ट में फाइट करता है या जिनको अपोज करता है। तो यहां पर हमारा अगेंस्ट अपोज वाली टर्म का मीनिंग यहां पे सेंस बैठ रहा है बिल्कुल। एंटीबॉडी में एंटी आपका रूट वर्ड आ जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एंटीसेप्टिक। डेफिनेशन क्या है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। प्रिवेंटिंग मतलब प्रिवेंटिंग, आप ऐसे ले, अपोजिंग इन्फेक्शन, अगेंस्ट द इन्फेक्शन, तो एक तरह से यहां पर भी एंटी वाला टोन आपको पकड़ में आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड रूट वर्ड था हमारा एंटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग था अगेंस्ट या अपोजिट ऑफ। बहुत एग्जाम्पल्स आपको एंटी में मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरे रूट वर्ड पे आते हैं, आर्च। ठीक है, आर्च या फिर आर्ची। ठीक है, मीनिंग है चीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर रूल।
ठीक है, तीन मीनिंग है, चीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर रूल। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर्च बिशप, द हाईएस्ट रैंकिंग बिशप, हाईएस्ट रैंकिंग मतलब चीफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट के काफी क्लोज आ रहा है, हाईएस्ट रैंकिंग वाली बात। आर्च बिशप में आर्च आपका रूट वर्ड बैठ रहा है, ठीक है। आर्च एनिमी, चीफ और वर्स्ट एनिमी, तो यहां पर भी सीधा सीधा चीफ मीनिंग आ रहा है, कहां से आ रहा है, आर्च से आ रहा है जो इसका रूट वर्ड है। फाइनली तीसरा एग्जांपल देखते हैं, मैट्रियार्क, अ फीमेल हु रूल्स अ ग्रुप, अ फीमेल हु रूल्स, रूल्स यहां पे रूल आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ की तरह भी देख सकते हैं। अ फीमेल हु रूल्स अ ग्रुप, वह औरत जो एक ग्रुप को रूल करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस ग्रुप में, जो चीफ है उस ग्रुप की, वो हुआ आपका मैट्रियार्क। इसमें से ये कहां से आया रूल वाली बात, जो आखिरी में आर्क लिखा हुआ है उधर से, ठीक है। चौथा रूट वर्ड देखते हैं, एम्बुल, एम्बुल का मतलब है वॉक या फिर मूव अराउंड भी बोल सकते हैं। पहला वर्ड आपका है एम्बल, एम्बल भी आया है आपका एम्बुल रूट वर्ड से, टू वॉक इन ए स्लो रिलैक्स्ड वे, तो वॉक मूव वाली बात एम्बल वाली आ चुकी है एम्बुल से। अगला एम्बुलेंट, वॉकिंग और मूविंग अराउंड, एम्बुलेंट में भी एम्बुल आ चुका है तो वहां से वॉक और मूव निकला है रूट वर्ड का। एम्बुलेंस, व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट, यहां पर भी मूव वाला वर्ड कहां से आ रहा है, स्टार्टिंग वाले एम्बुल वाले रूट वर्ड से, तो यहां पे कुछ आपके एम्बुल के एग्जांपल्स है। अब फाइनल रूट वर्ड आपका है एमी या एमियो, ठीक है, मतलब है लव, ठीक है, प्लेजेंट, लवेबल, फ्रेंडली, कुछ भी बोल सकते हैं, लव वाली फीलिंग से रिलेटेड रहता है एमी या एमियो, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, प्लेजेंट, लवेबल। एमिएबल में एमी आपका रूट वर्ड है, लव, लव से काफी रिलेटेड है, फ्रेंडली, प्लेजेंट, लवेबल, ठीक है। एमिटी, एमिटी में भी एमी जो है रूट वर्ड है तो जरूर लव के आसपास रहे, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन। तो यहां पर भी आप कैसे देख सकते हैं कि अगर आपको रूट वर्ड का मीनिंग पता है और आप सेंटेंस को पढ़ें उस रूट वर्ड की मीनिंग के साथ, तो एक एग्जैक्ट आप सेंटेंस का मीनिंग तो नहीं बता पाएंगे, पर काफी क्लोज पहुंच जाएंगे, बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे, जिससे आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि वोकैबुलरी जब भी करें उससे पहले इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स जरूर से जरूर कीजिए। आज के सेशन में ये हमारा पहला सेशन था रूट वर्ड्स के ऊपर, पांच रूट वर्ड्स, अभी सिर्फ पांच रूट वर्ड्स बात किए, डिस्कस किया कि क्या इनका मीनिंग है, अलग अलग इनके एग्जांपल्स देखे और इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस देखे। ये सेशन देख के आप खुद से इन रूट वर्ड को टाइप कीजिए, इस पे ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देखिए और देखिए कि कैसे आप उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं रूट वर्ड को एग्जैक्ट वर्ड के साथ मीनिंग के थ्रू, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो से कितना यूजफुलनेस मिलता है, कितना आपके काम आता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम इसके आगे और पार्ट्स बनाना चाहेंगे जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा रूट वर्ड्स कवर कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।